हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल मेरा नाम है शेख बशीर रह तो मैं आज आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यू एस ए ऑफ ऑल हमारे साथ होता ये है कि हम अमेरिका आना चाहते हैं सब मेरे समेत मेरी भी यही स्टोरी है अमेरिका आना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि आना कैसे है तो हम डिफरेंट कंसल्टेंट के पास जाते हैं डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और डिफरेंट लोगों का डिफरेंट वे होता है डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं डिफरेंट जाने के तरीके होते हैं तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला लाइक कि आपने वन टाइम जाना है अमेरिका तो आपके लिए विजिट वीज़ा है अगर आपने लॉन्ग टर्म रहना है तो आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा है अगर आपने आपके पास पैसे हैं तो आप बिज़नेस वीज़ा ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके और डिफरेंट स्टोरीज़ हैं तो मैं मैंने चूँकि मैंने एम किया हुआ था तो मेरा ज़्यादा रुझान भी इसी तरफ था कि मैं स्टडी वीज़े पर जाऊँ और सबसे इजी और सस्ता है विजिट वीज़ा भी इजी था लेकिन बट उसमें रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा थे तो जैसा कि मुझे काफ़ी लोगों ने अच्छे लोगों ने गाइड किया कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाएँ तो मैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए गया और उसके लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी काफ़ी क्राइटेरिया कि हम डिफरेंट कंसल्टेंट के पास जाते हैं डिफरेंट फीसिस होती हैं डिफरेंट क्राइटेरियाज़ होते हैं और हम ज़्यादातर उनके पास जाते हैं जो हमें कहते हैं कि हम आप बस यूँ गए नहीं कहा ठीक है जी ना कोई आर्ट्स चाहिए ना कोई आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब सिंपल से डॉक्यूमेंट्स और छोटी सी स्टेटमेंट तो चल जाता सिस्टम तो ऐसे ही मैं भी एक कंसल्टेंट के पास गया मेरे जानने वाले थे उन्होंने भी नहीं स्टार्ट किया जिन पर मुझे ट्रस्ट था क्योंकि उनके जो आ, उन्होंने एक उम्र वाली लाइन से ना हज उमरा वाले कंसलटेंटी से ना कंसल्टेंसी से ना तो ये स्टूडेंट कंसल्टेंसी से पे आए थे सुप्रीम कंसल्टेंसी मुल्तान से तो उन पर मुझे ट्रस्ट था लाइक के उनके साथ मेरा पुराना ताल्लुक़ चल रहा था कि हम मैं उम्रे वगैरह के डिफरेंट भी डिफरेंट टिकट्स वगैरह उन्हीं से लेता था तो उन्होंने बनाई तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि जी जी आप जा सकते हैं आप तो मैंने पूरा प्रोसेस बनवाया लाइक जैसे होता है दो दो कंट्रीज़ का मैंने बनवाया था कि मेरे जो मेन एम था ना कैनेडा या यूएसए था तो उन्होंने बोला कि कैनेडा और यू एस ए की सेम फीस है अप्लाई फीस है और थोड़ा सा ना अमेरिका की ना डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं उसमें यानी है कि आपको इंटरव्यू फ़ीस देनी पड़ेगी और सर्विस फी वगैरह जो कि के कैनेडा में नहीं है तो उन्होंने मुझे कहा कि एक रिस्क रिस्क ले लो या अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है बैकग्राउंड अच्छा है तो आप आप अमेरिका के क्राइटेरिया पे उतरते हैं मैंने कहा चलो ठीक है जी स्टार्ट करते हैं तो मैंने ना डिफरेंट मैंने कंसल्टेंसी से पूछा और भी लोगों से पूछा मैं ऐसे बोलूँगा एक ही भी मैंने रिलई किया डिफरेंट से पूछा लेकिन जो मुझे सही तरह ट्रस्ट हुआ ना वो इन्हीं पर रुका क्योंकि एक होता है ना कि अपना जो मारेगा कहीं अच्छी जगह पे गिराएगा ना कहीं गलत जगह पे नहीं गिराएगा चलें ठीक है जी फिर उन्होंने मैंने स्ट प्रोसेस स्टार्ट करवा दी कर दिया जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब वगैरह कम्प्लीट किया जिसमें मैंने अब एम मास्टर्स के लिए आया हूँ मास्टर्स के लिए आया हूं ना तो मुझे उसके अंदर चाहिए थे मेरे मैंने पहले एफ एस सी किया हुआ मुल्तान से इंजीनियरिंग में फिर मैंने बी एस सी किया मैथ जियोग्राफिक और मैथमेटिक्स में और वो मैंने सिमन लाइन कॉलेज से किया था फिर उसके बाद मैंने एम बी ए में एडमिशन लिया बहाब्दी सिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान से तो मैंने चार साल का वहाँ से एम बी ए तो फिर बात आ जाती है कि मैंने एडमिशन लेना किस चीज़ में तो एज़ पहले ही मैंने मास्टर्स किया हुआ था थैम दिए तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप पी के लिए चले जाएँ रिसर्च के लिए चले जाएँ लेकिन उसमें यह था कि पी में एडमिशन लेना अमेरिका के क्राइटेरिया पर उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था फिर बाद लोगों ने मुझे कहा कि आप दोबारा बैचलर कर लो वहाँ से उसमें इजी है क्राइटेरिया आसान है फिर मुझे ना फिर मैंने सोचा यार मैंने ऑलरेडी बिज़नेस पढ़ा हुआ है तो क्यों ना बिज़नेस में कोई चीज़ पढ़ ली जाए और ऑल्टरनेटिव एक और कोई और मास्टर्स कर लिया जाए तो फिर मैंने कंप्लीट किया हुआ कंप्लीट कम्प्लीट कियाडी मार्किटिंग एम बी ए मार्केटिंग तो तो मैंने अपने कंसल्टन से बात की और उजहरा भाई से उन्होंने तो मुझे गाइड किया कि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं फाइनेंस कर लो फाइनेंस अब यानी कि स्पेशलाइजेशन कर लो मैं कैसा हो सकता है कह जी हो सकता है मैं क्या चले करें स्टार्ट तो फिर अल्लाह का नाम लेके वहाँ से स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद अप्लाई किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने मुझे क्राइटेरिया सेट कर दिया कि आपने जाना किधर है एज़ यू नो कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं हम कहते हैं बस कहीं भी हो जाए हमें <laughs> निकाल दो वो एक गलत चीज़ है तो मैंने भी ऐसे ही किया मैं कर, कहीं भी हो जाए गल हो, हो जाए तो, तो मेरा एडमिशन करवा दो मैं इंटरव्यू दूँगा क्लियर कर, और बाहर जाऊँ तो चलो ठीक है उन्होंने कहा ठीक है फिर उन्होंने मुझे डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टेट्स के नाम बताए न्यूयॉर्क न्यू जर्सी वाशिंगटन और कैलिफोर्निया और फ्रांसिस्को और मैंने कहा मैंने फिर उन पर छोड़ दिया या ताकि उन्होंने ट्रस्ट बेसड था मैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ सबसे पहले एडमिशन यानी कि एक्सेप्टेंस लेटर आए मेरे प्रोफाइल के मुताबिक उन पर मेरा एडमिशन करवा दें तो चलो तो ठीक है उन्होंने कहा ओके ठीक है ऐसा हो जाता है तो उन्होंने ना अप्लाई किया डिफरेंट मेरे सामने अप्लाई किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो ना मैंने आर्ट्स किया हुआ है मैंने आर्ट्स नहीं किया हुआ तो ये भी एक गलत चीज़ थी आर्ट्स भी लाजमी करके आओ अगर बेशक आपका विदाउट आर्ट्स हो रहा तब भी आप आर्ट्स लाजमी करके आए आइट्स कर लें जी मैट कर लें ग्री कर लें और पी टी कर लें कुछ ना कुछ आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज होने चाहिए उसका जो जो डिफ जो एक इशू है ना वो मैं आपको नेक्स्ट इसी पार्ट में या नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा तो एडमिशन हो गया मुझे फ़ोन कॉल आई मैं आई थिंक था दुबई में था घूमने गया हुआ था फैमिली के साथ भाई के साथ तो मुझे कॉल आई कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है मैंने जी उन्होंने एक एक्साइटमेंट में मैंने पूछा ही नहीं कि किस यूनिवर्सिटी में होगा मैंने तो कहा आपका आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया तो आप ना आ जाएँ तो आप फर्दर इसका प्रोसेस वो फॉलो करें मैं क्या ठीक है जी कुछ दिनों में दुबई था दुबई से उम्र पर क्या उम्र से वापस आ गया आई थिंक डेट थी फिफ्टीन ऑफ अगस्त जब मेरी सेकेंड मीटिंग हुई उनके साथ तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया माशाल्लाह हमारों को मैं क्या जी खैन मुबारक चलो जी ठीक है जी मिठाई बनती है मैं ऐसा सी मिठाई बनती है जाने के बाद या यानी कि वीज़ा लगने के बाद करें रहे हो ठीक है, है तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि इसके लिए ना डी इसके लिए अब डी एस वन सिक्सटी फॉर्म फिल करना पड़ेगा डी एस सिक्स नहीं सॉरी सॉरी आई एम सॉरी आई एम बैड फिर आपको ना जब एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए ना उसके बाद आपका पेपर पेंसिल लेने लेना लाजमी लें एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आपको चाहिए होते हैं बैंक स्टेटमेंट जो आपके कम से कम चार मंथ्स हों ये बाद में नहीं पहले ही आप इनका प्रोसेस स्टार्ट करें ना उससे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट मिनिमम फोर मंथ की हो और, और मिनिमम डेढ़ करोड़ की होनी चाहिए जो इसमें होल्ड हो मेरी तो ज़्यादा थी मैं अब उन्हें यार नहीं बता सकता कि मेरी कितनी थी मेरी बहुत ज़्यादा थी तो वो आप करें उसके बाद आप आइट्स करें साथ ही साथ ही आप साथ ही अब जैसे ही आपने अप्लाई किया हो आप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो डिफरेंट कोश्चन्स वगैरह होते हैं वो आपको मैं फर्दर एक नेक्स्ट बता बताऊँ वीडियो में बताऊँगा जो मेरे केस में लगे थे जो मुझे मुझसे पूछे गए और मैंने उनको कैसे ओवरकम किया कैसे मैंने मैं एक दफ़ा फुल घबरा गया था कि कैसे आंसर देना मैंने जैसे स्टार्ट हुआ इंटरव्यू में घबरा गया तो मैं बोल नहीं पा रहा था पैनिक जैसे कहते हैं ना पैनिक हो गया मैं वैसे हो गया था तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा अगर आप लोगों का होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं तो वो मैं आपको बना के एक वीडियो अपलोड कर दूँगा जो तो मेरी तरह जब स्टूडेंट नया होता है वो यूट्यूब पर सर्च करता है तो आपके लिए शायद एक तरीका मिल जाए आसानी से यानी कि इस पर ओवरकम करना क्या क्या तरीक़े है, होते हैं और कैसे होते हैं और कौन कौन आपके साथ यानी कि आप एफ वन स्टूडेंट पे हैं आपके साथ कौन कौन ट्रैवल कर सकता है उस एफ वन वीजा स्टूडेंट वीज़े पर आपको गाइड कर दूंगा उस वीज़े में कवर उस वीडियो में कवर करूंगा अगर आप नीचे कमेंट्स में मांगते हैं तो ठीक है जी आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं उसके बाद आपको चाहिए होता है बैंक स्टेटमेंट दे दी कंसल्टेंट को ये आपने खुद अप्लाई किया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एडवाइजर से यानी कि कंसल्टेंट की बात चल रही होती है उसको देते हैं वो आप एवेल कर देते हैं कि आपकी कितनी फ़ीस है आप इतना एक्सपेंसिज होंगे तो आपको मिनिमम इतना के चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं तो आपको तकरीबन विद इन फाइव टू तो सिक्स बिजनेस डेज वर्किंग बिजनेस डेज में ना आपको आई उसकी फ़ीस कुछ यूनिवर्सिटी में फ़ीस होती है आई टवेंटी की कुछ में नहीं होती है मेरे तो केस में आई ट्वेंटी की फीस नहीं थी वेस्ट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी में फ़ीस नहीं थी तो आई ट्वेंटी आ गया जनरेट हो गया नहीं आई थिंक आम मिसिंग समथिंग दोबारा वापस चलेंगे एक्सेप्टेंस लेटर आ गया तो आपको फीस सर्विस फी पे करनी होती है सर्विस फी पे करनी होती है वो होती है ख्याल वन हंड्रेड फिफ्टी से लेकर टू हंड्रेड फिफ्टी तक के दरमियान होती मिड में होती है मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं मैंने क्या पे किया था शायद मैं देखूँ तो मैं आपको एंड में मैंशन कर दूँ कब मैं उसमें तो आपको सर्विस फी पे करनी होती है सर्विस फी के बाद आपका सब कुछ सबमिट हो जाता है आपके बैंक बैंक स्टेटमेंट्स वग़ैरह सब यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह आपको सबमिट करवानी होती है यूनिवर्सिटी में तो आपको फिर एक आई ट्वेंटी ऐशू कर देते हैं आई ट्वेंटी की बेस पर आपका वीज़ा लगता होता है अगर आपके पास आई ट्वेंटी नहीं है तो आपका वीज़ा नहीं लगता जैसे ही आपका आई ट्वेंटी आता है फिर आपको, आपको फिल करना होता है डी एस वन सिक्सटी फॉर्म और डी एस वन सिक्सटी फॉर्म डी एस वन सिक्सटी फॉर्म आपको हर चीज़ के लिए फिल करना है अगर आपने अमेरिका आना लाइक आपने विजिट वीज़ा पे आना है तब दी इस्पाउस वीज़ा तब दी लाइक बिजनेस वीज़ा है तब भी स्टूडेंट वीज़ा है तब भी इमिग्रेशन है तब भी तब भी आपको ये सब कुछ फिल करना पड़ता है डी एस वन सिक्सटी फॉर्म डी एस वन सिक्सटी फॉम की फ़ीस थी पहले जब मैंने स्टार्ट किया वन सिक्सटी डॉलर्स लेकिन जब मेरी फिल करने की बारी आई तो उस टाइम होगी उसकी फ़ीस वन एटी फाइव डॉलर्स अभी भी मेरे ख्याल वन एटी फाइव डॉलर है पाकिस्तान से यानी कि ऑल ओवर दी कंट्री कंट्रीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपका ना वन एटी फाइव डॉलर्स है यू के लिए डी एस वन सिक्सटी की फॉर्म थी फीस तो डी एस वन सिक्सटी फॉम अप्लाई किया उस पर मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई अपॉइंटमेंट मिल गई यानी कि वो मिली थी मुझे सितंबर की आई थिंक हाँ सितंबर की मिली थी मुझे टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में तो सितंबर की मिली मुझे अपॉइंटमेंट तो मैंने ली थी कराची की मुझसे पूछा गया था कि अगर आपने कराची इंटरव्यू लेने हैं या इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद यानी कि मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा विज़िट किया हुआ था और कुछ दोस्तों ने भाइयों ने कहा था कि आप कराची के इंटरव्यू लें तो उसके उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं अब आप आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप मांगते हैं नीचे कमेंट्स में कि कराची क्यों लिया इस्लामाबाद क्यों लिया क्वेश्चंस वगैरह क्या किया वो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट वीडियो मांगते नहीं मांगते तो आज के वीडियो बस इतनी थी अपॉइंटमेंट आ गया और आगे अपॉइंटमेंट में क्या क्वेश्चन आंसर हुए कैसे मैंने डील किया कैसे पेरेंट्स थी कैसे आपने क्वेश्चन को सुनना है कैसे प्रिपेयर करना है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप मांगते हैं आज की वीडियो इतनी तक थी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाला अगली वीडियो में ओके अल्लाह हाफि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें